वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लेने के बाद कोरोना का शरीर पर असर जानने के लिए एक नई स्टडी की गई है। ये स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने की है। ICMR की ये स्टडी उन लोगों के जीनोम विश्लेषण पर आधारित है जो वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ICMR की ये स्टडी भारत के लोगों पर की गई ऐसी पहली स्टडी है जो वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से संक्रमित हुए लोगों पर की गई है। 677 लोगों पर की गई इस स्टडी में ज्यादातर वैक्सीनेटेड लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए कुल 677 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया था। इनमें से कुल 482 लोगों में कोरोना के लक्षण थे, जबकि 29% एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले थे। इनमें से 69% लोगों को बुखार, 56% लोगों को सिर दर्द और मिचली, 45% लोगों को खांसी, 37% लोगों को गले में खराश, 22% लोगों को गंध और स्वाद की पहचान ना कर पाना, 6% लोगों को डायरिया, 6% लोगों को सांस लेने में दिक्कत और 1% लोगों को आंख में जलन और लाल होने जैसे लक्षण महसूस किए। स्टडी के अनुसार भारत के दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से डेल्टा और कप्पा वेरिएंट से ज्यादातर लोग संक्रमित पाए गए। वहीं उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अल्फा, डेल्टा और कप्पा तीनों वेरिएंट के मामले पाए गए। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा संक्रमित लोग डेल्टा वेरिएंट से पाए गए। स्टडी में वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने से मृत्यु दर बहुत कम पाई गई। स्टडी में वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने से मृत्यु दर बहुत कम पाई गई। स्टडी में शामिल कोरोना की चपेट में आए 71 लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी, जबकि 604 लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी। वहीं 2 लोगों ने चीन की सिनोफार्म वैक्सीन लगवाई थी। इन सारे लोगों में सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई। स्टडी के अनुसार वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से संक्रमित 9.8% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% लोगों की मौत दर्ज की गई। ये स्टडी स्पष्ट रूप से ये बताती है कि वैक्सीन सुरक्षा देती है। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना होता भी है तो अस्पताल में भर्ती होने और मौत का खतरा बहुत कम हो जाता है। WHO का ये भी कहना है कि सिर्फ वैक्सीन ही कोरोना के वेरिएंट से लोगों को बचा सकती है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन के ज्यादातर मामले उन जगहों पर देखे जा रहे हैं जहां वैक्सीनेशन रेट बहुत कम है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि वैक्सीनेटेड लोग अगर सुरक्षित हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों में कोई लक्षण नजर नहीं आता है और ये बड़ी आसानी से लोगों के बीच जाकर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसलिए WHO लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आग्रह करता है। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।